गए संत, जमीन के लिए हो गई संतों में बात। संतों के बीच मारपीट की तस्वीरें हैं प्रयागराज की, जहां महाकुंभ मेले की शुरुआत से पहले ही अखाड़ों के बीच वर्चस्व की जंग शुरू हो गई है। मेला प्रशासन ने अखाड़ों के साथ एक बैठक बुलाई थी, जिसमें जमकर पहले बहसा बहसी हुई और फिर मारपीट। दरअसल मेला प्रशासन ने अखाड़ों की बैठक बुलाई थी मेला क्षेत्र में अखाड़ों को आवंटित की जाने वाली जमीन दिखाने के लिए। मेला प्राधिकरण के ICCC सभागार में बैठक शुरू हुई तो बड़े शांत और भक्तिमय माहौल में हनुमान चालीसा हुई, राम नाम का गुणगान हुआ और उसके बाद अचानक जो कुछ हुआ वो सबको हैरान कर गया। बैठक के दौरान अखाड़ों के महंतों के बीच कहासुनी शुरू हो गई, जिसने जल्दी हिंसक मोड़ ले लिया। साधु संत आपस में लात घूंसे चलाने लगे, एक दूसरे पर मुक्कों से हमला करने लगे, जिससे दफ्तर में मानो अफरा तफरी मच गई। महाकुंभ मेला अधिकारी और SSP महाकुंभ मेला की मौजूदगी में हाथापाई की घटना हुई, जिसके बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने बीच बचाव कर मामले को शांत करवाया। हालांकि बवाल के चलते बैठक नहीं हो पाई। निपटाने के प्रयास जमीन का विवाद नहीं, जमीन के कोई विवाद नहीं, बैठने उठने की विवाद व्यवस्था नहीं था। किनके किन के बीच दो गुटों के बीच में वो राजेंद्र दाजी निर्मोही के हैं और दूसरे कौन है? अब दूसरे में है वो, दूसरे में है हरिगिरी जी और प्रेम। क्या बात तो राजेंद्र दास खड़े थे, वो लोग बदतमीजी करने लगा, यही मेन चीज था। पुराना विवाद है क्या? हाँ पुराना था। क्या विवाद है? तो पुराने हम नहीं बता पाएंगे। दो गुटों जो तो आगे है आप लोगों का स्टैंड रहेगा? क्योंकि नहीं नहीं हम लोगों की स्टैंड है कि शांति से मेला हो, मगर ये दुर्व्यवहार जो हुआ ये ना हो, कानूनी कार्रवाई होगी। महाराज जी किसके साथ दुर्व्यवहार? राजेंद्र दास निर्मोही अखाड़े के साथ मारपीट की है। हाँ मारपीट हुई है, प्लान भी नहीं है। देखिए अभी हम नहीं बता पाएंगे, प्लान से हुआ मगर घटना हुआ, कानूनी कार्रवाई इसके खिलाफ। हाँ कानूनी कार्रवाई होगी। हाँ एप्लीकेशन दे दिया गया है। तो मारपीट हुई अखाड़ा परिषद के दो गुटों में। अखाड़ा परिषद के एक गुट के अध्यक्ष निरंजनी अखाड़े के महंत रविंद्र पुरी और महामंत्री हरिगिरी हैं, जबकि दूसरे गुट के अध्यक्ष निर्मोही अखाड़े के महंत राजेंद्र दास हैं। दोनों गुटों की ओर से मारपीट की शिकायत मेला प्रशासन से की गई है। आज ये अखाड़ा का जो जमीन वितरण होता है उसके लिए निरीक्षण का कार्यक्रम निर्धारित था। इसमें ये निर्धारित था कि प्रत्येक अखाड़े से साधु संत महात्मा जी लोग यहाँ पर पधारेंगे मेला ऑफिस में, और यहाँ से ही एक साथ ही जाने की परंपरा रही है। तो उसी परंपरा के उसमें सभी साधु संत महात्मा गण जो लोग आए यहाँ पर आए थे, कुछ अखाड़ों से कुछ ज़्यादा प्रतिनिधि भी आए थे, तो वो सामान्य रूप से आते हैं। और उसमें अभी अखाड़ा परिषद में भी कुछ अखाड़ा एक तरफ है, कुछ अखाड़ा एक तरफ, इस तरह का इंट्रो में है, तो उसी में आए हैं जब, तो उसमें थोड़ा सा असमंजस की स्थिति हुई है, वाद विवाद हुआ है उनका, लेकिन तुरंत ही तत्काल फिर मेला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने पहुंच करके मैटर को सॉर्ट आउट कर लिया है। और एक गुट को हम लोग ले गए हैं और उनका निरीक्षण भी हो गया है, वहां पर उन्होंने निरीक्षण भी कर लिया है जमीन का और संतुष्ट भी हैं। और दूसरे गुट के लिए हम लोगों ने निवेदन किया है, यहां पर मेलाधिकारी साहब ने बैठक ली और निवेदन किया, तो वो लोग भी कल सुबह 10 बजे निरीक्षण के लिए अपनी सहमति दी है। कोई तहरीर भी है? उन्होंने एक प्रत्यावेदन दिया है। जी क्या ये दो गुट के बीच का झगड़ा था या फिर जो कुछ इंडिविजुअल टाइप का मामला हो गया लोगों में, उठने बैठने को लेके कुछ लोग कह रहे हैं बात? नहीं बैठने उठने के लिए ऐसा कुछ नहीं था, वो आपस में जो भी उन लोगों में तात्कालिक रूप से जो भी बातचीत हुई होगी, ऐसा कोई विशेष ऐसा बात नहीं है। जांच करेंगे, जांच करके जो भी दवाई तय होगी उसकी तय की जाएगी। तो AGM मेलाधिकारी के मुताबिक विवाद जमीन का ही था, बैठने की जगह या कुर्सी का नहीं। वैसे इन तस्वीरों और अखाड़ों के बीच मछीमार और गुटबाजी से हर कोई दंग है, क्योंकि महाकुंभ जहां आस्था विश्वास का संगम होता है, वहां सियासत और वर्चस्व की लड़ाई अभी से जो शुरू हो गई है। वैसे इस पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर रखिए। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव की रिपोर्ट, UP तक।